और से अलग को नहीं करना। हाँ, कुछ भी हो जाए इससे क्या मतलब है इसका? दिमाग चकरा देने वाले सवालों में उलझा रणविजय उस शानदार बग्घी की ओर बढ़ा ही था कि बग्घी वाले ने उसका हाथ पकड़कर उसे चढ़ने के लिए सहारा दिया। बड़े बड़े पंजों वाली उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि रणविजय की आह निकलने को हुई। अजीब सा था वो। कंधों पर काला सा चोगा डाले, काली पगड़ी और उसके नीचे से झांकती उसकी लाल लाल आंखें। जब वो बोलने के लिए मुंह खोलता था तो उसके नुकीले दांत चांदनी में भी चमक उठते थे। भाई टांगे वाले, साहब का सामान देना। बग्घी वाले ने रणविजय का बैग लिया और अंदर उसके पैरों के पास डाल दिया। बग्घी अंदर से शानदार थी। नर्म गद्दीदार सीट्स और मखमली पर्दों के अलावा पैरों के नीचे बिछी मोटी कालीन। मालिक तेरा ख्याल रखने को बोले, बोले आप खास मेहमान उनके, सर्दी बहुत है, जरोखे के नीचे बिलायती दारू है, दो घूंट लगा लो ठंडी भाग जाएगी। रणविजय ने खुद को सीट पर जमा कर कंबल लपेटा ही था कि तभी चाबुक की आवाज सुनाई दी और बग्घी हवा से बातें करने लगी। घोड़ों की रफ्तार से लग रहा था जैसे वो और भी जल्दी थे। पहाड़ी रास्ते के दोनों ओर पेड़ों ने रास्ते के ऊपर छत सी बना ली थी, इसलिए रास्ते पर अंधेरा सा ही था। इसलिए बग्घी को उसके आगे दोनों ओर लगी पीतल की लालटेनों की रोशनी का ही सहारा था। क्या कहते हो, कब तक पहुंच जाएंगे रत्नागढ़? हेलो। हाँ भाई, कुछ पूछा मैंने, कोई जवाब नहीं। ये जगह ही अजीब नहीं है, यहाँ के लोग तो उससे भी अजीब है। उस ठिठुरन और डर के बाद भी जाने कैसे रणविजय को नींद आ गई, या शायद बेहोश। उसे लगा जैसे कोई पंजे उसकी गर्दन की ओर बढ़ रहे हैं। अपनी पूरी कोशिश के बाद भी वो उन्हें अपनी गर्दन की ओर बढ़ने से नहीं रोक पा रहा था। ऐसा लगा जैसे छोटा सा बकरी का बच्चा बाघ को रोकने की कोशिश कर रहा है। अगले ही पल वो पंजे उसकी गर्दन पर थे। जैसे जैसे पंजों की पकड़ मजबूत होती जा रही थी, उसका दम घटता जा रहा था। सांस रुकने से उसकी आंखें बाहर निकल आने को थी। तभी उसे बग्घी की खिड़कियों से छन कर आती चांदनी में बग्घी वाले का लंबा सूखा और पथरीला सा चेहरा दिखा और गड्ढों में से झांकती उसकी एक जोड़ी लाल आंखें। वो जोर से चीखता, कोई अंदर आ गया क्या? नहीं, कोई सपना था शायद, सपना था शायद। तब चिंता कौन है, ठाट से बैठो, अब तो रास्ता भी अच्छा है। क्या कहा तुमने, कोई अंदर आ गया क्या? गाड़ी के अंदर कहीं वो। रणविजय बग्घी के अंदर किसी के घुस आने के ख्याल से ही इतना डर गया था कि वो उसे ढूंढने लगा। सीट के नीचे, पर्दे के पीछे, जहां भी ढूंढ सकता था ढूंढने लगा। कहां है, कहां गया, कहां है वो? अंधेरे में कुछ दिख भी तो नहीं रहा, शायद आया ही ना वो अंदर। हाँ, शायद कोई नहीं आया अंदर। बग्घी इतनी
से चली जा रही थी कि अगर पहिए के नीचे कोई पत्थर आ जाता तो वो घोड़ों समेत सैकड़ों फीट नीचे खाई में गिरते और भेड़ियों का शिकार बन जाते। ये हो क्या रहा है? बग्घी बार बार उसी रास्ते से क्यों गुजर रही है? क्या ये उसी रास्ते पर चक्कर काट रहा है? सड़क के बाईं ओर वो टेढ़ा सा पेड़ चौथी बार दिखा है अभी भी, पर क्यों क्यों कर रही है ऐसा? क्या मैं जिंदगी भर इन्हीं पहाड़ियों में भटकता रहूंगा? पूछू से सुनो, नहीं क्या फायदा ये जवाब तो देने से रहा। कुछ देर बाद उसे वक्त का ध्यान आया और उसने अपनी पॉकेट से निकालकर माचिस जलाई। समय क्या हुआ है? 12:30। हे भगवान, उस सवारी ने कहा तो था कि काली घाटी में आधी रात के बाद भेड़िए बन जाने वाले प्रेतों का राज होता है, तो क्या ये जानबूझकर रास्ते में आधी रात का देना चाहता था? कस कर चकर लिया। क्या हुआ इन घोड़ों को?